सब्सक्राइब कीजिए एनीथिंग इम्पॉर्टेंट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि फैशन दैट नेवर एंड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज पायल। आज मैं आपको बताऊंगी नेक डिजाइन विद कॉलर। इससे आप कुर्ती, कमीज, सूट, ब्लाउज या एनी ड्रेसेस में डाल सकते हैं। तो आज इस नेक डिजाइन को मैं कुर्ती में बनाना बताऊंगी। तो चलिए पहले इसकी नेक डिजाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह के दो फैब्रिक चाहिए आगे और पीछे के लिए। ये इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और इसके ऊपर नेक डिज़ाइन ड्रॉ करना है हमें। यहाँ से हमें 2 इंच लेना है, इसके नीचे 3 इंच लेंगे, ये आगे का नेक है। यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से पूरा हमें 7 इंच लेना है। अब इसको पलट के दूसरी तरफ भी प्रिंट करना है। अब पीछे का नेक भी ड्रॉ करेंगे हम, इसकी भी चौड़ाई 2 इंच ही लेंगे और लेंथ हमें 8 इंच रखना है। यहाँ से 1 इंच की गोलाई लेना पड़ेगा। इसको भी दूसरी तरफ प्रिंट करेंगे। अब इसको कुर्ती के साथ रखना है हमें। इस तरह से सेंटर से रखेंगे इसको राइट साइड में और यहाँ से स्टिचिंग करके ये नेक के अराउंड स्टिचिंग करते जाना है हमें। इसी तरह से पीछे वाले भाग को भी सीधा रखेंगे हम और इसके ऊपर सेंटर से ये नेक रखेंगे हम और यहाँ सेंटर से स्टिचिंग करके ये मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करते जाएंगे। अब इस नेक डिज़ाइन को 1/2 इंच अंदर से कट कर लेंगे हम। अब इसमें छोटी छोटी कट्स लगाएंगे, ध्यान रखिए कि स्टिचिंग कट नहीं होना चाहिए। अब इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। अब इस पे प्रेस स्टिचिंग करेंगे हम। अब पीछे के नेक में भी हमें सेम प्रोसेस करना है। अब इस पे भी प्रेस स्टिचिंग करेंगे।
अब आगे और पीछे के पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे हम इस तरह से। अब यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम ये गैप के लिए और गोलाई से नेक को मेज़र करेंगे कॉलर के लिए। और ये वाला गैप भी पूरा मेज़र करना है हमें। ये 14.5 इंच आ रहा है, हम पूरा 15 इंच का लेंगे बकरम। अब ये इस तरह की बकरम लिए हमने, इसकी लंबाई हमने 15 इंच ली है और ये इस तरह का फैब्रिक चाहिए हमें। इसकी चौड़ाई 4 इंच है और लेंथ इसकी 16 इंच ली है हमने। अब बकरम को फैब्रिक के साथ रखेंगे और सामने से हाफ इंच फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे और यहाँ नेक से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए गोलाई में स्टिच करना है, दूसरी तरफ भी हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। यहाँ से नेक को एक जैसा रख के हम देख लेंगे कितना गैप है, उसके हिसाब से ही यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ेंगे जिससे हमारी नेक डिज़ाइन का शेप ख़राब नहीं होगा। अब ये कॉलर की अंदर वाली स्टिचिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये फैब्रिक को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे हम। और यहाँ से इस तरह दबाते हुए सीधी स्टिचिंग कर देंगे। ये कॉलर को बैक से यहाँ पर हुक से अटैच करेंगे हम और यहाँ फ्रंट में सो के लिए हमें इस तरह की बटन्स लगा देना है जिससे इसका लुक और अच्छा आ जाएगा। और हमारी नेक डिज़ाइन तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑलमोस्ट मैं सारी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और उसके रिप्लाई भी करती हूँ। Thanks for watching.